हम मोहब्बत में चले हुए हैं, उस नेता से हमें मोहब्बत है, लगाव है। हम हरियाणा से, ऐसे नेता में हमें हिंदुस्तान का भविष्य दिखता है। एकमात्र राहुल जी हैं जो इस देश को तरक्की के रास्ते पर ले जा सकते हैं, क्योंकि जो ये मीडिया में जो छवि दिखाई जा रही है राहुल जी के बारे में, पप्पू पप्पू, गप्पू गप्पू, सप्पू सप्पू, ये क्या है यार। आंखों में तिरंगा और पूरे रंग पर कांग्रेस का झंडा राहुल गांधी को सीने पर उतार कर ये हरियाणा का शख्स देश भर में घूमता है राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए नंगे पांव। पैरों में ना जूता है ना चप्पल, लेकिन संकल्प इतना मजबूत है कि जब तक प्रधानमंत्री राहुल गांधी को नहीं बनाएगा यह शख्स, तब तक ऐसे ही हर जगह राहुल के समर्थन में घूमता रहेगा। सुनिए क्या कुछ कह रहा हरियाणा से आया हुआ है शख्स राहुल गांधी के समर्थन में। पंडित जी, आप जो आपका पोशाक है वो पूरा राहुलमय है। मैसेज क्या है, संदेश क्या है? ये हम मोहब्बत में चले हुए हैं, उस नेता से हमें मोहब्बत है, लगाव है। ऐसे नेता में हमें हिंदुस्तान का भविष्य दिखता है। एकमात्र राहुल जी हैं जो इस देश को तरक्की के रास्ते पर ले जा सकते हैं। युवाओं को, किसानों को, माता बहनों के लिए सोच रखते हैं। इसी सोच के लिए हम एक दृढ़ संकल्प लेके हम भी राहुल जी के साथ निकले हुए हैं कि जब तक राहुल जी हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री नहीं बन जाते, मैं राहुल जी के साथ पूरा हिंदुस्तान साथ में संघर्ष करता रहूँगा, बिना चप्पल जूता के चलूँगा। ये जारी है, 12 साल से चल रहा है और मुझे ऐसा लगता है कि शायद वो दौर, वो वक्त नज़दीक आ रहा है अब राहुल जी हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री बन के इस देश को खुशहाली के रास्ते पर ले जाएंगे। बहुत अच्छा है। आपने जो कपड़ा लिया है, या हरदम आप इसी को धारण करते हैं, या जब राहुल गांधी के साथ किसी कार्यक्रम में जाते हैं तब? जब राहुल जी देश में होते हैं, किसी कार्यक्रम में जाते हैं, कोई सभा अटेंड करते हैं, कुछ भी होता है, जब राहुल जी के साथ जाता हूँ तो मेरा ये इसमें मैं अपना कर्म करता हूँ। एक सवाल है कि राहुल जी को लेकर जो देश के अंदर बीजेपी माइंडेड लोग हैं या जो उनके समर्थक हैं, वो एक अलग तरीके से परसेप्शन बना कर रखे हैं कि राहुल जी मतलब सीधे तौर पे जिसको कह देते हैं कि बउआ कह दीजिए, या जो भी ऐसा शब्द है पप्पू बोल दीजिए, ऐसे शब्द जब आपके पास आते हैं, ऐसे लोग आपको बोलते हैं तो, या मजाक उड़ाते हैं राहुल गांधी का, तब उसको कैसे आप फेस करते हैं, क्या देखते हैं, क्या जवाब देते हैं? आप भी एक हिंदुस्तानी हैं हो, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आपको ऐसा लगता है राहुल जी के अंदर जो ये दिखाया जा रहा है मीडिया में, आपको लगता है? शायद आपको भी नहीं लगता होगा, क्योंकि जो ये मीडिया में जो छवि दिखाई जा रही है राहुल जी के बारे में, पप्पू पप्पू, गप्पू गप्पू, सप्पू सप्पू, ये क्या है यार। प्रैक्टिकल बातें करो, देश के को आगे कैसे बढ़ाना, वो विजन की बात करो। आपका विजन क्या है? देश में बेरोजगारी कैसे कम होगी, महंगाई कैसे कम होगी, देश तरक्की के रास्ते पे कैसे जाएगा, बात ये होनी चाहिए। लेकिन इनका केवल एक ही टारगेट है कि दुनिया में, हिंदुस्तान में मीडिया में पैसा डालो और राहुल जी की छवि को खराब किया जाए। ये इन्होंने अपना मकसद था इनका, वो उनमें लगे। लेकिन राहुल जी जिस दौर से गुजरते हुए अपनी यात्रा को लेकर चले, भारत जोड़ो यात्रा को लेकर चले, तो हिंदुस्तान की जनता ने राहुल जी के असली चेहरे को देखा और समझा कि ये नेता की जो छवि दिखाई जा रही है मीडिया में वो असलियत नहीं है। उसका चेहरा एक बनावटी बनाया गया है मीडिया में, असली चेहरा ये है जो लेके चले हैं, हिंदुस्तान से मिल रहे हैं। समझ देश की जनता समझ चुकी है कि राहुल जी ही एकमात्र ऐसे नेता हैं जो हिंदुस्तान को तरक्की के रास्ते पर ले जा सकते हैं, जो गरीब से गर्व की सोच सकते हैं, बेरोजगारी युवा की सोच रखते हैं, माता बहनों को शक्ति कैसे दी जाए उसकी सोच रखते हैं। और अब देश की जनता इस ओर अमल करके 2024 में जो तानाशाह की सोच हिंदुस्तान पे भी लागू करना चाहते हैं, उस सोच को हरा के और एक अपनी सोच, देश के युवाओं की सोच को हम जिताएंगे, ये हमारा संकल्प हम लेके चलेंगे। धन्यवाद। तो हाथों में तिरंगा लिए यह शख्स यह संदेश दे रहा है कि राहुल गांधी के लिए वो नंगे पांव ही देश में घूमेगा, राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाएगा। जो जज्बा इस नौजवान का है वो सुनकर राहुल गांधी भी दांतों तले उंगली दबा लेते हैं कि उनका एक ऐसा भी समर्थक है
जो हर हाल में सड़कों पर रहता है, राहुल गांधी के लिए अकेले ही पूरे देश में नरेंद्र मोदी और अमित शाह के उस भगवा टोली से लड़ जाता है जो लगातार दावे राहुल गांधी को पप्पू बनाने में लगे रहते हैं, उन सब से लड़कर राहुल को दुनिया में देश में बेस्ट बनाने में जुटा हुआ है। यह शख्स हरियाणा से चलकर आया है, नंगे पांव बिना जूता पूरे बदन पर कांग्रेस कांग्रेस राहुल राहुल, हाथों में तिरंगा पगड़ी बांध रखा है कि यह तभी खुलेगा जब राहुल प्रधानमंत्री बनेंगे। बायोम जो है मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान, जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी एंड 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच। बायोम हिनू एवं नगरा टोली रांची।